अगर इसके मफाद या सरशत का तकाजा होगा तो वो किसी और को कभी कत्ल करने से दरे नहीं करेगा, और इसी तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनीत की जद में रहेगी। नीज जब इस जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इरतकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर दो, जिसके पास माल व दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्रे अर्ज़ पर नमूदार हुआ और गर्दिश माह व साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नज़र आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इसका कायनात का इकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींच कर इंसान को निशान इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर तीन, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हो। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी न पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की अर्ज़ से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि वो अपने कहने के मुताबिक अज़ाब पा लेगा। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अज़ाब ना पाले। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह पसंद आएगी। वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलह तरीन और सब पाक हकीकत भूख है, भूख बड़ी बदजात है। इंसान चरिंद परिंद और जिलरूख मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साबे इस्तेआत पर वाजिब है कि वो मुस्तकीन की मकदूर पर मदद करे। नंबर पाँच, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती, उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को बढ़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक टीवी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखुसूस ज़ियाबतीस के मरीज़ों में इसके नतीजे में किसी वजह से मौत का ख़तरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि उनमें खतरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़्यादती से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी का या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो उनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक तहकीक में बताया गया कि महज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी या होप या आसाबी हलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। टीवी जरीदे जर्नल नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर में शाया तहकीक में महक्कीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मनज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नींद की कमी से जहन भूजल होता है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालात को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिख के शुक्रिया।